الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما صبح والفاتح لمن غلق المعلن للحق بالحق بالحق. بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. आप ये मजलिस सुन रहे हैं गोया पांचवीं शब मुहर्रम की है और उसका तकरीबन दरमियानी हिस्सा करीब है और इस तरह से हमारा जिस तरह से क्या ख्याल है हम काफी वक्त गुजार चुके यानी तकरीबन आधा मुहर्रम बातों बातों में गुजर गया। बड़ी दूर दूर से अहबाब जमा हो रहे हैं, सबका शुक्रगुजार हूं और अपनी महरूमी पर अफसोस करता हूं कि मैं कमा कहूं यहां खिदमत से फासिर रहा और उसकी वजह आप सब जानते हैं। गुफ्तगू इख्तसार के साथ यहां सिर्फ इतनी है कि सब्र की तारीफ में कोई गलती न, कोई ये न समझे कि मजबूरियों का नाम सब्र है, कोई ये न समझे कि इंसान जब कुदरत नहीं रखता, जब कुछ कर नहीं सकता तो सब्र करता है। आम मफहूम यही है और यह मफहूम गलत, यह मफहूम गलत है। सब्र की तारीफ यह है कि इंसान किसी अम्र हक में कोई इकदाम करे, कोई ऐलान करे, आगे बढ़े और दुनिया उसको रोक देना चाहे, दुनिया उसको डराए, उसको धमकाए, उस पे जुल्म करे, तो ऐसा आगे बढ़ने वाला किसी की परवाह किए बगैर अपने मौकफ पर आ जाए, साबित कदम हो जाए और ये तय करे कि जो कदम आगे बढ़ गया है
अब वो पीछे नहीं हटने वाला है, इसको कहते हैं सब। यानी मुस्तकीम हो जाना, इस्तकामत पैदा करना, और अंबिया ने यही सिफत ममदूह करार पाए, इसी सिफत की तारीफ की। और ये कहा गया सलामुन अलैकुम बिमा सबरतुम फनिमा उकबद्दार, तुम पर हमारा सलाम हो, तुमने जो सब्र किया है उसकी वजह से तुम पर हमारा सलाम हो, क्या अच्छा अंजाम है तुम्हारा, क्या अच्छी आकिबत है तुम्हारी। ये अंबिया का दस्तूर रहा है कि अंबिया रिट्रीट नहीं करते, अंबिया पीछे नहीं हटते, अंबिया अपनी आवाज को, अपने अल्फाज को, अपनी गुफ्तगू को वापस नहीं लेते। और इस तरह से राह हक में जो कदम उठ गया उठ गया, वहां पीछे हटने का कोई मकाम नहीं है। ऐसे आलम में जुल्म करने वाले जुल्म करते जाए, सताने वाले सताते जाए, डराने वाले डराते जाए, सब्र करने वाले पर कोई असर मुतरतब नहीं होता। बजाय इसके कि ये तारीफ समझी जाए, दुनिया ने यह समझ लिया कि करबला का वाकया जो बयान किया जाता है वो एक कमजोरी की दास्तान है, वो एक रोग का किस्सा है, वो एक नातवानाई की बात है। यानी कुछ हो न सका, घिर गए और घिर के मर गए। ये गुफ्तगू कभी हमने नहीं की, और अगर आपने इस तरह से समझा तो गलती की, और आप तौहीन कर रहे हैं शहीदों की, और इस तरह से आप हक नहीं पहचानते उनका जिनका हक पहचानना इस्लाम के लिए लाजिम है। देखिए ये वो मकाम है कि जहां बार बार इस अंदाज में गुफ्तगू होती है कि भाई तस्करा हो रहा है, तस्करा हो रहा है, इमाम को मजलूम बना के पेश कर रहे हैं, हुसैन को मजलूम बनाते हैं। यानी वो कहना क्या चाहते हैं, कहना है चाहते हैं कि हुसैन को कमजोर बना के पेश कर रहे हैं। अब लफ्ज कमजोर तो नहीं कह सकते, वो कहते हैं हुसैन को मजलूम बना के पेश कर रहे हैं। तो इनको ये खबर नहीं कि दो ही चीजें हैं, या मजलूम होता है या जालिम होता है। तो क्या हम हुसैन को जालिम बना के पेश करें, मजलूम नहीं बनाए तो क्या जालिम बना के पेश करें। जालिम तो वो है जिसने मजलूम की राह रोकने की कोशिश की, और मजलूम वो साबिर है जिसने ये कहकर जान दे दी कि सब जुल्म तुम्हारे लिए जेबा है, मगर राह न बदलूंगा, रास्ते से न हटूंगा, कदम पीछे न हटाऊंगा। इन चीजों को समझने की जरूरत है, समझाने की जरूरत है। बच्चों की तरबियत में ये छोटी छोटी बातें उनके कानों तक पहुंचाने की जरूरत है कि किन माना में हम हुसैन इब्ने अली को मजलूम करबला कहते हैं। मजलूम करबला मजबूर बना के नहीं कहा जाता उनको, न ये समझ के कहा जाता है कि कमजोर थे, जोफ था, उनकी कमजोरी और उनके जोफ की बातें अभी किसी को मालूम ही नहीं है, मालूम ही नहीं है। कैसा मुख्तसर ये है, मैंने गुफ्तगू बावजूद मेरी नासाजी और नकाहत के बख्शे हो दी है, उसकी कई वजूहात है। एक तरफ तो ये कि हम जल्दी जल्दी दिनों को खत्म करते जा रहे हैं, और दूसरी तरफ ये कि मसाइल बाकी रह जाते हैं। इसलिए अच्छा है कि जो इस वक्त जहां मौजूद हो समझने की कोशिश करें। किस्सा ये है कि आपकी आदत ये है, यानी आप जो मजलिसें सुनते सुनते बचपन से जवानी में आए, जवानी से बुढ़ापे में आए, आपका आलम यह है
कि आप जिस किसी गुफ्तगू को सुनते हैं एक तसलसल में उसको देखते हैं, एक बैकग्राउंड में उसको देखते हैं, आपके पास किसी वाकये का एक पस मंजर होता है, आप उस पस मंजर में किसी चीज को देखते हैं और उसके बाद आप नतीजा निकालते हैं। यह आपकी तारीफ है, यह आपके सामने तारीफ नहीं करता हूं, बल्कि जहां कहीं रहूंगा यही कहूंगा कि मेरे सुनने वालों को अल्लाह ने यह तौफीक दी है कि वो किसी वाकये को उसके सही बैकग्राउंड में सुनते हैं, इसलिए कि उनके पास तसलसुल फिक्र मौजूद। मगर जिनके पास तसलसुल फिक्र नहीं है, यहां से कुछ लिया, यहां से कुछ लिया, यहां से कुछ लिया, तो उनके सामने जब कोई वाकया बयान किया जाता है तो फकत वो उसी वाकये को वहीं तक के लिए सुन के चुप हो जाते हैं, तो उन पर कोई असर मुतरतब नहीं होता। जब मैं कहूंगा करबला तो आपके सामने बदर भी है, उहद भी है, खैबर भी है, खंदक भी है, आपके सामने जमल भी है, सिफीन भी है, आपके सामने मुस्लिम की शुजाअत भी है, अब्दुल्लाह इब्ने जाफर तैयार की तेगजनी भी है, आपके सामने बनी हाशिम के सारे बहादुरों के कारनामे हैं, और उसके बाद जब मैं ये कहूंगा कि इस करबला में ये बहादुर चुप थे, तो सारी तारीख आपके आंखों के सामने है, और उस वक्त आपने कहा सब्र, इसको कहते हैं। दूसरा तो ये अंदाजा कायम नहीं कर सकता, दूसरा तो यह अंदाजा कायम नहीं कर सकता कि अगर हुसैन शाह थे और अब्दुल्लाह इब्ने जाफर तैयार को साथ ले लेते, मुस्लिम ने अकील को साथ लेते, अगर हुसैन इब्ने अली शाह थे तो मोहम्मद हनफिया को साथ ले लेते, मदीना को छोड़ देते मदीने को, इसलिए कि नाना का मजार है, रुसवाई और तौहीन पेश नजर थी, और मक्के को भी छोड़ देते इसलिए कि खाने हक की हुसैन को मंजूर न थी, इन दोनों के दरमियान किसी मकाम पर साकिन होते, मुतमक्किन होते, अपने ताज़दम लश्कर को लेकर बैठते, जो लश्कर आता उसको खत्म करते, जो कोई बहादुर आता अपने बड़े से बड़े लश्कर को लेकर, ये ताज़दम सिपाही ये मारके देखे हुए अपने अबो जब के दौर के, इनसे क्या तवक्को थी कि ये पीछे हट जाते, सबका फातिमा करके रख देते, किसी की मजाल न थी में जो इस लश्कर के मुकाबले में आता। मगर हुसैन के पेश नजर फतह नहीं थी, हुसैन के पेश नजर यजीद का तख्त छीनना नहीं था, हुसैन के पेश नजर यह नहीं था कि किसी सूरत लश्कर को शिकस्त देके इस फौज को भगा के मैं शाम पे जाके कब्जा कर लूं। अगर शाम पे जाके हुसैन कब्जा कर लेते और उसके बाद हुसैन को तबई मौत खुदा अता करता तो तारीख यही लिखती, बड़े नेक बंदे थे अल्लाह के हुसैन, अच्छी नेकी के साथ हुकूमत करके मर गए। फिर आज ये मजलिस, ये मातम, ये गरिया, ये बुका, ये आह, ये जज्बे तमाम, ये मोहब्बत कुल, ये मारेफत के दावे, ये वर्ष की कैफियत, ये इश्क की हालत, ये किसके साथ होती? इस्लाम के पैगाम को मुलुकियत के कांधों पे जाना नहीं था, दर्द की मौजों पर जाना था, इसलिए दर्द की मौजों को तैयार करना चाहते थे हुसैन। मैंने बारहा कहा है, फिर समझा रहा हूं कि हुसैन इब्ने अली ने जो ये कारनामा अंजाम दिया है ये बहुत बड़ा कारनामा, बहुत बड़ा कारनामा, यानी इसका कोई अंदाजा नहीं कर सकता। बहादुरी के एतबार से ऐसे ऐसे बहादुर हुसैन के पास थे कि अली को वो बहादुर नहीं मिले, न जमल में न सिफीन में, और नबी को वो बहादुर नहीं मिले न बदर में न उहद में न खैबर में। खैबर में तन्हा अली थे, करबला में अब्बास भी थे, और अगर आते तो मुस्लिम भी आते, और अगर आते तो अब्दुल्लाह इब्ने जाफर तैयार भी आते, और अगर लाए जाते तो मोहम्मद हनफिया भी होते, अब्बास के और भी भाई थे, अगर ताजा दम होते और प्यास का ये हंगामा ना होता तो क्या आलम होता लश्कर का। एक एक बच्चा जाके फौज को उलट दे, उस फौज के जवानों का और सरदारों का क्या कहना, मगर मकसद लड़ाई नहीं थी, मकसद कुछ और था, मकसद था
के 1387 हिजरी के मुहर्रम में जब हुसैन का जिक्र आए तो बादशाह की हैसियत से ना आए, शाम के हाकिम की हैसियत से ना आए, जब हुसैन का तस्करा आए मुहाफिज इस्लाम की हैसियत, इस्लाम को बचा लेने वाले की हैसियत से आए। तो हुसैन गुफ्तगु को मुख्तसर करते हुए एक ऐसा मुहाशेरा चाहते कि जहां सब के सब सब्र करने वाले हों और जहां पीछे न हटे, मुआफी न मांगे, किसी की जबान से ज्यादा निकले कि हमारे बुजुर्गों ने गलती की, जो किया हक हुआ, जो हुआ सही हुआ, जो बात थी दुरुस्त। इस तरह से बच्चों की तरबियत की, शहजादियों ने तरबियत पाई, भाइयों की तरबियत हुई, पूरा घर का घर करबला। उस दिन का नाम है करबला कि जब हुसैन थे। अगर मेरी गुफ्तगु को आप समझ सकते हैं तो मैं जरा सा मुसलसल हो रहा हूं कालबिन हाल की तकरीर से। करबला उस दिन का नाम है जब हुसैन थे। अब्बास अब्बास की शुजात हुसैन देख रहे हैं, अली अकबर की लड़ाई हुसैन देख रहे हैं, और मोहम्मद की जंग हुसैन देख रहे थे। पहले पूरा लश्कर गया, फिर कारवां सालार गया, पहले पूरी फौज गई फिर सरदार गया, और अब हुसैन जब जा चुके तो सब्र और शुजात तो उनकी काबिले दिख रहे थे। इमाम न थे और वो अकेले थे। फुरात के किनारे अगर दो बच्चे हैं तो उनकी शुजात देखो, ऊपर की दीवारों में अगर बच्चों को जिंदा दफन किया जा रहा है तो उनकी शुजात देखो। कहीं रिट्रीट है, कहीं ये है कि हमारे बुजुर्गों ने गलती की, हम नादिम हैं, हम तौबा करते हैं, कहीं है नहीं। जो सजा मंजूर हो दे दे, जो सजा मंजूर हो दे दे, पीछे हटने का नाम नहीं। बच्चों की इसी शान से तरबियत की, औरतों की इसी शान से तरबियत की, और सिर्फ एक एक शहजादी, ये जरूरी नहीं कि वो फातिमा की बेटियां, ये जरूरी नहीं कि मोहम्मद की नवासियां, दूसरे घराने की लड़कियां आई हैं, दूसरे घराने की लड़कियां आई हैं। आसमान ने ऐसी साबेरा औरतें नहीं देखी, ऐसी साबेरा औरतें नहीं देखी कसने फलक ने। कैसा सब उम्मुल बनीन का सब, चार बेटे जिसके मारे गए, कैसी साबेरा बीवी। उम्मे फरवा का सब, कैसी साबेरा बीवी। औलादे हसन आंखों के सामने तड़प रही है, उम्मे फरवा देख रही है। खैर ये गुफ्तगु यहां तक पहुंची सिलसिले कलाम में। एक बीवी काबिले जिक्र, बहुत काबिले, और वो है उम्मे रबाब। उम्मे रबाब आपने नाम सुना है, ये फातिमा की बहू है, ये अली की बहू है। उम्मे रबाब हुसैन की बीवी है। हुसैन बहुत चाहते हैं उम्मे रबाब को, कहते हैं रबाब मुझे वो घर अच्छा मालूम होता है जिसमें तू हो और सकीना हो। उम्मे रबाब, उम्मे रबाब को अल्लाह ने औलाद दी तो इस शान की दी कि एक बेटा एक बेटी, बेटा 6 महीने का, बेटी 3 बरस की। ये उम्मे रबाब का फरमाया है, ये उम्मे रबाब की जिंदगी। जब सब्र का मौका आया तो उम्मे रबाब ने सब्र किया। मैं पटेल पार्क में अब कर चुका हूं कि हुसैन आए और आके कहा रबाब सब्र करोगी ना, कहा वाली सब्र करो, मैं सब्र करूंगी। कहा रबाब ये है तेरा बच्चा, मगर रबाब न रोना, भय न करना, आधा हंसी हो आएंगे, रबाब मेरे पीछे पीछे चली आना। बख्तल में आए, नन्ही सी कब्र खोदी, मां देख रही थी, मां देख रही थी, और बाप बच्चे को दफन कर रहा था। तारीख इंसानियत में ये एक वाकया, रबाब ने सब्र किया,
साहिबान औलाद मेरा साथ देंगे, अगर मैं ये कहूँ कि बड़े दिल की जरूरत है, बड़े कलेजे की जरूरत है, रबाब ने सब्र किया, करबला गुजर गई। हुसैन थे सामने, लोग यही कहेंगे हुसैन सामने थे, शौहर सामने थे, रबाब ने सब्र किया। चुप रही, चुप रही, मगर रबाब के दिल को बड़ी तसल्ली थी, रबाब के दिल को बड़ी तसल्ली थी, बड़ी तसल्ली थी कि मेरा वाली आया, मेरे बच्चे को मेरे गोद से ले गया। अगर ये बच्चा कत्ल हो गया, मगर चलो बाप ने बेटे को दफन तो कर दिया ना, दफन तो कर दिया। अब कल के दिन जब लश्कर यहां से चलेगा तो शहीदों के गले कटेंगे, शहीदों के सर कटेंगे, नौ कहा है नहजा पर ये सर आएंगे, मेरा बच्चा तो दफन हो गया, मेरा बच्चा तो दफन हो गया। रबाब को यही फिक्र थी, मगर 11 मुहर्रम को जब काफिला तैयार हुआ और एक एक बीबी के नाते के सामने उस बीबी के वारिस का सर रहने पर आया, तो उम्मे लैला के नाते के सामने अली अकबर का सर था, उम्मे फरवा के नाते